उसमें मैं एडल्ट्स के बारे में बताऊंगा कि भाई उनको ज़्यादा पेशाब होता है, पहले ज़्यादा पेशाब की बात की जाए, ज़्यादा पेशाब होता है तो दो ही चीज़ है ना जी, या तो पेशाब का प्रोडक्शन बढ़ रहा है या पेशाब जो थैली में आ रही है आ रहा है वो जमा नहीं हो पा रहा है, बाहर धड़ाधड़ निकल जा रहा है। प्रोडक्शन स्टोरेज दो ही चीज़ है पेशाब बनने में। अब शुरू करिए ऊपर से, प्रोडक्शन कहाँ होता है, किडनी में होता है पेशाब का, वहीं पर पूरा खून उधर से सर्कुलेट करता है और वो खून जो है उससे छन छून करके सारा कुछ जो शरीर में बढ़िया चीज़ रखने लायक है रख लिया जाता है, और बाकी जो हमारे शरीर की जैसे शहर की गंदगी वगैरह निकालने के लिए नाली होता है, तो वो जो हम लोग के यहाँ हम लोग क्या कहते हैं जी, वो सिस्टम सब शहर में लगा रहता है, तो वो गंदगी में से गंदगी को पानी के साथ निकाल देता है। अब देखो और वो पेशाब के थैली में आता है, जो पेशाब लगता है तो आप जल्दी से पेशाब करते हैं। पेशाब कब लगता है, 400-500 cc यदि थैली में आपका पेशाब रह गया तब आपको पेशाब की फीलिंग होती है, जाके पेशाब करते हैं। अब एक तरफ किडनी से शुरू करिए, वहीं से किडनी के इससे पेशाब बनने में गड़बड़ी शुरू हुई, तो बनने में क्यों गड़बड़ी होगी भाई, दो ही कारण होगा, या तो उसके पास पूरा ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं रहा है, या यदि पहुंच रहा है तो मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, किडनी में गड़बड़ी हो गई है जिसके चलते वो पेशाब निकाल नहीं रहा है पूरा। तो अब इसमें देखिए कि किडनी के में जो गड़बड़ी, जैसे मान लिया कि कोई आदमी का शॉक में चला गया, एक्यूट अचानक कम पेशाब होने लगा, तो एक ब्लड प्रेशर जब तक पूरा मेंटेन नहीं रहता है, मेंटेन रहेगा तभी ना फ्लो होगा, प्रॉपर फ्लो होगा ये ब्लड का किडनी के थ्रू यूरिन को छानेगा। यदि ब्लड प्रेशर किसी कारण से घट जाता है या बहुत दिन तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है जिसके चलते सारे अंगों पर इफेक्ट करता है, तो किडनी पर भी असर कर देता है और वो किडनी बढ़िया से काम नहीं करती है, तो जब फिल्टर काम नहीं करेगा तो पेशाब जो है बहुत ज़्यादा होगा, या तो बहुत ज़्यादा होगा या छन छन उसको किडनी के छानने की शक्ति जो है कम हो जाएगी। तो छानने की शक्ति जब कम हो जाती है तो ये एक्यूट फेज है, ये लंबे समय तक नहीं चलता है, फिर जो है सो छन्ना बड़ा हो जाता है, धड़ाधड़ निकलते रहता है, तो छानने की शक्ति जब घट जाती है तो थोड़ा थोड़ा पेशाब होगा और शरीर फूल जाएगा, मुंह फूल जाएगा, अंग फूल जाएगा, ये उसको कहते हैं एक्यूट किडनी इन्फेक्शन या एक्यूट किडनी डिजीज। एक होता है क्रोनिक किडनी डिजीज, जब सारी बीमारियां लंबे समय तक ऐसी चलेंगी जिसके बहुत ही से कारण हैं, एक कारण डायबिटीज भी है, लंबा डायबिटीज यदि चला तो किडनी खराब हो जाए तो क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाएगा, लंबा हाइपरटेंशन चला क्रोनिक किडनी डिजीज, कोई ऐसी दवा आप खा रहे हैं जो आपको ये है कि क्या कहते हैं दर्द वाली दवा और ये सब ज़्यादा लंबा खाते रहते हैं तो उससे किडनी खराब होगा, उससे होगा और काफ़ी पेशाब निकलेगा उससे। दूसरा कारण ये है कि डायबिटीज अनकंट्रोल रहे, किडनी ठीक भी रहे, किडनी ठीक है लेकिन डायबिटीज अनकंट्रोल है, उसके चलते भी पेशाब बहुत होगा, बहुत मरीज हम लोग के आता है